तो आज हम आ गए हैं रोब्लॉक्स के अंदर। तो आज हम रोब्लॉक्स के अंदर खेलने वाले हैं बक शॉट। तो यार इसलिए मैंने बुला लिया है अपने फ्रेंड को, तो देखते हैं हम उसके साथ खेलेंगे। और बेसिकली हमको इसके अंदर जीतना है उससे किसी भी हालत में। तो चलो भाई चलते हैं। तो उसकी फ्रेंड को करते हैं एक्सेप्ट और चलते हैं अंदर। ये हम जा रहे हैं। तो यार बेसिकली इसके अंदर हमको गन मिलती है और हमको दूसरे बंदे को मारना होता है। और हमारे पास होती है कुछ लाइफ और कुछ वेपन्स, मतलब कि कुछ हमको आइटम्स मिलते हैं, ये लोग देते हैं। जैसे कि आगे बता दूँगा कैसी आइटम देते हैं। तो चलो भाई पहली जो टर्न आई है वो आई है हमारे फ्रेंड की। देखो हमको एक लूट बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर से हम निकाल सकते हैं कोई ना कोई आइटम। देखते हैं इस लूट बॉक्स के अंदर आखिरकार तो है क्या। जैसे कि उसको निकला है अभी एक स्कोप। ओके तो हमको मिल चुका है काफ़ी अच्छा सामान मिला और हम पतकड़ी भी और हेल्थ भी मिल चुकी है। अगर ये अच्छी बात है हमको दो हेल्थ मिल चुकी है। लेकिन ब्लू बॉटल से ऐसा हो जाएगा अगर मैं इस ब्लू बॉटल को खाता हूँ तो अगर मेरी हेल्थ होती तो वो कम हो जाती है। यार इसके तो है 3 लाइफ और 4 है वो पूरी तरह से ब्लैंक है। चलो भाई वो रिलोड कर रहा है, देखते हैं भाई किसकी लक अच्छा है किसके मौत। भाई पहली बारी में ही उसने मेरे को भाई फिनिश कर दिया भाई, काफ़ी अच्छा है उसका लक चल रहा। देखते हैं चलो भाई सबसे पहले चलो इसको भाई सबसे पहले अपनी हेल्थ को फुल कर लेते हैं। मेरे को भी हेल्थ के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं लेना क्योंकि तो पता नहीं कब ये मेरे को पूरी तरह से मार दे। तो चलो भाई मैं उसी को ऊपर एम लगाता हूँ और ये ओ भाई मुझे लगा था कि एम्प्टी ना निकले, बट एम्प्टी नहीं निकला, ये अच्छी बात है। ओके तो चलो अब उसकी टर्न आ चुकी है, देखते हैं उसकी टर्न के अंदर भाई क्या होगा। ओके भाई गन को रिलोड करो, बट गोली एम्प्टी निकली, ये अच्छी बात है। ओके ये गन को नहीं उड़ रही। ओके अरे उसने कुछ यूज़ किया था। ओके उसी की टर्न है, अबे उठा यार, अबे तेरी टर्न है भाई। क्या यार अबे नल्ले तेरी टर्न है, उठा। मैं नहीं उठा पा रहा। ओके भाई उसी की टर्न है। ओके भाई उठा रहा है। ओके तो भाई इसके अंदर भाई गोली ना हो यार, मेरे को नहीं मरना भाई, मेरी तरफ से गया। ओ शिट भाई गोली थी यार उसके अंदर। ओके भाई मेरी फिर से एक लाइफ हो चुकी है और हम बिल्कुल टाई के ऊपर पहुँच चुके हैं। ओके अब मेरी बारी आ चुकी है। ओके क्या करें, चेक करते हैं उसको, तोड़ते हैं और चेक करते हैं। ओह उसके अंदर भाई एक लाइफ नहीं है, मतलब ये खाली है। ऐसा करता मैं अपने ऊपर चलाता हूँ, अगर मैं इस गोली को अपने ऊपर चलाता हूँ तो मेरे के और एक टर्न में तो जब सिस्टम वो चलाते हैं। ओके ये खाली हो चुकी है, मुझे लगता है कि इसके अंदर भाई कुछ ना कुछ भाई एमओ होगी। वेट सिस्टम के अंदर चलाते हैं वो सच इसके, बट सभी गोली तो भाई ख़त्म हो चुकी है। ओके अगर मैं इसको फिर से अपने ऊपर चलाऊँगा तो यार खाली निकलेगी। तो आई जो अगली टर्न आएगी वो भी मेरी ही आएगी, ये अच्छी बात है कि मेरे को पता चल चुका था। कि देखते हैं इस बार हमको क्या मिलता है इस लूट बॉक्स के अंदर से। ओके ये मिल चुकी है हमको फिर से हथकड़ी एक और एक हमको मिल चुका है स्कोप, इसको रखते हैं यहाँ पर। ओके यहाँ से ओके उसको क्या कर भाई, उसके पास काफ़ी अच्छा सामान है। ओके तो चलो भाई देखते हैं। ओके 3 लाइव राउंड है और एक है वो खाली है, तो भाई देखते हैं इसके साथ क्या निकलने वाला है। तो वो रिलोड कर रहा है भाई, मेरे बचने का चांस सिर्फ 1% है। ओके इस बार उसने मेरे को टर्न दिए। ओके मैं उसने वाह भाई उसने गन को काट दिया, उस पर चक्कू था वट मेरे को नहीं दिखा, आई थिंक तो कुछ ग्लिच हो चुका है। ओके उसने ओ भाई क्या बचा भाई, अब जो 3 बुलेट बची हैं वो सीधा उसी के पास बजने वाली हैं। यार इससे अच्छा भाई मैं इसको ये पहना देता हूँ, इससे अच्छा मेरे को भाई उसके 2 लाइफलाइन तो मैं उसके ले कर ही जाऊँगा। ओके चलो इसके ऊपर एम लगाते हैं, चलो जा। देखो भाई क्या हेडशॉट मारा भाई, कितनी दूर जाकर भाई टप्पा खा कर गिरा है। चलो आ जाने दो उसके ऊपर, अभी उसने हथकड़ी पहन रखी है और इसके ऊपर फिर से एम लगाते हैं। एम यहाँ से गन को उठाते हैं और उसके ऊपर लगाते हैं एम। वेट अगर मैंने इसके ऊपर गोली चला दी, ओके मैंने इसके 2 लाइफलाइन लेकर जा चुका हूँ, बट उसके अंदर एक अभी भी लाइव बुलेट है जो कि अब मेरी हेल्थ लेकर जाने वाली है। ओके यार मेरा भी एक हेल्थ जा चुकी है, उसके अंदर एक ही बुलेट थी और कोई बात नहीं, मैंने कम से कम उसकी 2 हार तो लेकर जा चुका हूँ। उसके पास टोटल 3 लाइफ बची हैं। यार सबसे पहले
अपनी हेल्थ को फुल करते हैं, हेल्थ को फुल करना इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि सामान मिल भी क्या रहा है। ओके, काफ़ी अच्छा सामान है। ओके चलो भाई, सबसे पहले अपनी हेल्थ को फुल। ओके भाई, मेरे पे आउट ऑफ स्पेस बची है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास स्पेस ही नहीं बची। अगर स्पेस होती तो भाई कितना मज़ा आ जाता। ओके तो चलो भाई, एक लाइव है और दो ब्लैंक है। तो चलो भाई, सबसे पहले देखते हैं उसको रिलोड करने का टाइम देते हैं, उसको फेंकने दो। चलो भाई मेरी बारी है। सबसे पहले भी अपनी हेल्थ को फुल कर देते हैं। मेरे को अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। ओके क्या मैं एक और पी सकता हूँ? ओके मैं पी सकता हूँ। ओके चलो भाई, मेरी हेल्थ तो पूरी की पूरी फुल हो चुकी है और बस मेरे को अब उसको मारना है। उसको हथकड़ी पहनाते हैं। ओके तो देखते हैं भाई क्या होगा, क्या लक मेरे साथ देगा या उसका। ओके ये एम्प्टी निकली। अब मेरे पास सिर्फ एक टर्न बची है उसका, उसकी मतलब कि लाइफ लाइन लेके जाने के लिए। देखते हैं इसको कैसे करते हैं, चेकआउट कर लेते हैं कि इसके अंदर आखिर क्या है। ओके खाली है, वैसे ही मेरी ग्लिच की वजह से गन गोली नहीं दिख रही। मतलब कि अगर खाली है तो भाई वो उसकी टर्न, मतलब कि वो उसकी लाइफ लाइन जाने वाली है। ठीक है भाई, क्या भाई मस्त टप्पा खाकर गिरता है। ओके उसके पास अब सिर्फ दो लाइफ लाइन बची और मेरे पास अभी फुल है। देखते हैं हम दोनों में से अभी भी बहुत ज़्यादा कहीं वो हेल्थ ना पी ले। वैसे उसके पास काफ़ी हेल्थ बची है। ओके मेरे ऊपर एम लगाए बट वो भूल गया कि जितनी भी दो बुलेट बची है वो पूरी पूरी खाली होने वाली है। ओके चलो भाई, काफ़ी सामान आ चुका है। ओके हमको मिल चुका है फिर से जिसको, इसको उठाते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं रख पा रहा। ओके पता नहीं क्या यार ग्लिच हो चुका है। चलो भाई हमको हेल्थ तो मिल चुकी है, ये अच्छी बात है। ओके यहाँ से ओके तीन और एक खाली है, तीन लाइफ और एक खाली है। भाई ये तो बहुत ज़्यादा गंदा कांड होने वाला है। अगर मेरी बारी नहीं आई तो बहुत ज़्यादा चांस है। इससे अच्छा ऐसे करते हैं, मैं एक चेकआउट मेरे को कर लेना चाहिए। सबसे पहले इसको हैंडकफ पहना देते हैं और चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं लेना। ओके भाई उसकी हेल्थ जाने वाली है। ओके उसके ऊपर भाई, चलो भाई इसके ऊपर बिल्कुल भी तरस ना खाते हुए उसको मार देते हैं। ओके उसके पास अब सिर्फ एक लाइफ लाइन बची है और गोलियां भी अब दो लाइफ और एक है वो एम्प्टी बची हुई है। ओके मेरे को चेकआउट करना चाहिए, आई थिंक मेरे को चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर सीधा ये एम लगा देते हैं। क्या यार खाली निकली, अगर सिर्फ एक लाइफ लाइन बची सी, अगर भाई ये गोली चल जाती। ओ शिट उसने हेल्थ लगा ली है। ओके उस पर दो लाइफ हो चुकी है। ओके क्या करना देखते। ओके भाई वो हेल्थ लगाते जा रहा है। ओके भाई उसकी तीन हेल्थ हो चुकी है और एक बची है, क्या ये। ओके भाई कितनी कम, कितनी ज़्यादा हेल्थ खा कर ले गया था, कितनी कम हेल्थ बची है उसके पास। ओके मेरे को हैंडकफ पहना दिया उसने। ओके भाई इसके अंदर अब सिर्फ दो बुलेट बची हैं और दोनों की दोनों के अंदर गोलियाँ हैं। ओ यार ओके मेरी लाइफ लाइन लेकर जा चुका है। ओके और फिर से रिलोड कर रहा है, अब उसी की बारी क्योंकि मेरे हाथ में तो हैंडकफ पहने हुए हैं। ओके भाई इसके अंदर भाई एम्प्टी बुलेट तो बिल्कुल नहीं होने वाली। क्या यार मार दे रे को। ओके भाई बिल्कुल भाई उसके पास एक हेल्थ बची सी बट पूरी तरह से मैच टाई हो चुका है। ओके देख रहे इस बार मेरे को क्या निकलता है। ओके यहाँ पर मैं कुछ रख नहीं पा रहा, पता नहीं क्या कुछ ग्लिच हो चुका है शायद से। ओके व्हाट, अब मैं यहाँ पर से भी कुछ नहीं रख पा रहा भाई, कुछ ग्लिच हो चुका है। ओके व्हाट, ओ क्या मैं रख सकता हूँ कहीं पर यहाँ पर। ओके यहाँ पर ये रख सकता हूँ, आउट ऑफ स्पेस हो चुकी है। ओके भाई क्या यार, चलो इसको भाई उसके पास भी सामान पूरा आ चुका है तो चलो भाई देखते हैं। दो लाइफ और तीन ब्लैंक है, देखते हैं किसका लक इस बार किसका साथ देगा। ओके गन को रिलोड करता है और गन को फेंक दिया है। ओके भाई क्या किया जाए। ओके चेकआउट कर लेना चाहिए क्या मेरे को, वैसे चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक गोली चलाकर सिस्टम के ऊपर देख लेता हूँ। बट फिर खाली निकल चुकी है, ये अच्छी बात है। अब उसके अंदर दो ब्लैक और दो लाइफ बचे। चलो भाई हैंडकफ इसको पहनाते हैं और अब गोली चलाते हैं, ज़्यादा चांस है कि अब उसके अंदर भाई लाइफ होगी। ओके चलो भाई एक और उसकी लाइफ लाइन लेकर जा चुका है, अब उसके पास सिर्फ तीन लाइफ बची हैं और इसके अंदर अभी एक लाइफ
और दो ब्लैंक बुलेट बची हैं। इन पर सबसे पहले अपनी हेल्थ को फुल करते हैं, पता नहीं इस गेम के अंदर बाजी कब पलट जाए। ओके तो चलो भाई, मेरी हेल्थ तो भाई फुल हो चुकी है भाई, हेल्थ के साथ मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। ओके तो चलो भाई, इसके ऊपर हम मैग्नीफाई ग्लास से चेकआउट करते हैं, यहाँ से देखते हैं और भैया एम्प्टी है। तो चलो भाई, एम लगाते हैं हम सिस्टम के ऊपर, अपने ऊपर ही, मतलब देखते हैं क्या। वैसे मुझे पता ही है इसके अंदर बुलेट एम्प्टी है और मेरे को अब फिर से टर्न मेरे को मिलेगी। ओके इसको वेट, क्या मेरे को फिर से चेकआउट कर लेना चाहिए? शिट भाई, दो एम्प्टी निकल चुकी है और मेरे पास, उसके पास सिर्फ एक लाइफ बची है और उसके अंदर भाई गोली होने वाली है लाइफ वाली। और पता ही था यार, क्या यार, मेरे को चेकआउट कर लेना चाहिए था एक बार, बट कोई बात नहीं, मेरी काफ़ी हेल्थ अभी भी बची हुई है। मेरे पास अभी 4 हेल्थ है और उसके पास 3 हेल्थ है, बट पता नहीं कब राउंड पलट जाए। ओके हेल्थ मिल चुकी है, अच्छी बात है, और एक और हेल्थ मिल चुकी है। रुपये ये अच्छी होता है कि हमको हेल्थ मिलती जा रही है, हेल्थ की कमी तो बिल्कुल नहीं है। एक और हेल्थ मिल चुकी है। ओके बट मैं दो पालने का कुछ भी नहीं रख पा रहा। ओके तो चलो भाई, उसी की टर्न है। ओके भाई, अभी सामान पिकअप कर रहा है भाई, कितना टाइम पिकअप करेगा भाई? क्या उसने सामान पिकअप कर लिया है? ओके तो इसके अंदर है एक लाइफ और एक ब्लैक, और 50-50 चांस है हम दोनों के जीतने के। चलो भाई, उसको रिलोड करने देते हैं, और उसने गन फेंक दी है। ओके क्या मेरे को चेकआउट कर लेना चाहिए या फिर नहीं? ऐसा कहते भाई चेकआउट कर क्या, चलो फिर गोली चला कर देख लेते हैं। ओके मैं उसकी और हेल्थ लेकर जा चुका हूँ मैं। ओके अब उसके अंदर भाई ब्लैक होने वाली है, ये तो मेरे को पक्का श्योर है, क्योंकि उसके अंदर 50-50 चांस है और उस वो भाई मर चुका है पहले ही। ओके चला गोली, वो एम्प्टी है वैसे भी, देखा मेरे को पहले ही पता, मैंने पहले ही कहा था, मेरी पहले ही बात सुन लेता। ओके चलो, पर हमको सामान मिल रहा है बट मेरे पास स्पेस तो नहीं है, देखते हैं इस बार हमको क्या मिलेगा। आउट ऑफ स्पेस, बट यार मेरे पास अभी दो जगह बची है। ओके मैं आज तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा जो कि ग्लिच की वजह से दिख नहीं रहा। ओके एक लाइफ और 4 ब्लैक है, तो इस बार देखते हैं भाई क्या होने वाला है। इसको रिलोड करने दे बस। ओके रिलोड करता जा रहा है। ओके रख दी, ओ यहाँ पर नाइफ है। ओके भाई मैग्नीफाइंग ग्लास से चेकआउट करते हैं इसके अंदर क्या है। वाह भाई वाह भाई, इसके अंदर गोली है। ओके यहाँ पर नाइफ है, जहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पर नाइफ है। ओके भाई, इससे नाइफ को काटने से डबल डैमेज मिलेगा, तो भाई मैंने गन को काट दिया है। और अब भाई उसके पास सिर्फ 2 हेल्थ बची है और भाई उसके पास कोई चांस नहीं बचा। ओके तो चलो भाई, चलो भाई वो फाइनली हार चुका है भाई, काफ़ी तकड़ा मैच था भाई, उसने मेरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दी, बट एट द लास्ट हम जीत चुके हैं। ओके और अगर आप लोग को ऐसी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। और यार क्या कर रहे हो यार, आप लोग बिल्कुल भी मेरे को सपोर्ट नहीं दिखा रहे, क्या यार लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दो यार कम से कम।